नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से त्याग लेना चाहिए। तो इस आदमी को सीएम के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। लेकिन ये जो किया तो बहुत बढ़िया किया नीतीश कुमार। हाँ, कि इसमें घुस करके उसमें निकल गया, उसमें से घुस कर उसमें निकल गया। ये तो रास्ता बदल तो है ही पहले से ही। सब गंदा तरीके से देखते हैं। नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? कभी लालू से मिलते हैं, कभी बीजेपी से मिलते हैं, और बीजेपी को ही कम से कम नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए कि जदयू पार्टी का नीतीश कुमार जो है, जब अपने ललन कुमार को जदयू के पर्दे तक रख चढ़ा सकते हैं, अपने बन सकते हैं, तो ये मतलबी आदमी है। मतलब है तो सट जाता है, मतलब नहीं है तो नहीं सटता है। तो इस आदमी को सीएम के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। इस्तीफा दिए हुए हैं, यह सिर्फ अपने कुर्सी के लालच में आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ करके बीजेपी के साथ रिश्ता बना के कुर्सी पर आसीन रहना चाहते हैं। इनको जनता की भलाई, बिहार के विकास से कम मतलब है। अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी निचले स्तर पर जा सकते हैं। बिहार का विकास इनसे संभव नहीं है। इन्होंने जो एक्साइज का मामला लाया वह बिल्कुल ही प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र की बात हो गई। और एक व्यक्ति के द्वारा इतने लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। मैं भागलपुर में एक वकालत का काम करता हूँ, एक्साइज एक्ट की निंदा करता हूँ जो नीतीश कुमार ने लाया है। नीतीश कुमार बार बार पलटी ही मारता है और उनका काम ही है पलटी मारना। थोड़ा विचित्र माहौल बना हुआ है, लोगों को समझ से बाहर लग रहा है, पता नहीं बिहार किस रूट जाएगी और बिहार के लोगों का क्या हालत होगा। बड़ी अजीब बात है कि अभी तो सरकार चल ही रहा था, बढ़िया चल रहा था, लोग नीतीश कुमार पर विश्वास भी करते हैं, भरोसा करते हैं, विकास पुरुष का नाम भी उन्हें दिया है। लेकिन ये बार बार पलटी मारना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसी दबाव के कारण ये कुछ न कुछ तो वजह रहा होगा। लेकिन बिहार के लिए बेहतर नहीं है, बिहार के लिए ये बात अच्छी नहीं है। क्या देखें, तो इधर भी पल्ला है तो उधर नीतीश भिड़ जाता है, इधर तो होता है तो इधर नीतीश भिड़ जाता है। बीजेपी क्या करना चाहिए था? बीजेपी को तो इसको ले लेना चाहिए, कहा कि ये दल बदलू है। कुमार तो बोलते थे कि हम कभी अलग नहीं होंगे चाचा भतीजा, लेकिन ये पलटू राम है, कब किसको धोखा देंगे, कोई जिम्मा खराज नहीं है। और जब सरकार ऐसे करेंगे तो जनता का क्या होगा पता नहीं, और आगे क्या बोलेंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा। बीजेपी में रहे तो बीजेपी में ही सब दिन रहे, राजद में रहे तो गठबंधन में तो गठबंधन में रहे। ये पलटू का क्या हिसाब किताब है? ये तो पब्लिक बहुत परेशान है इससे। माहिर है पलटी मारने। हाँ, पलटी मारने में माहिर है, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक के साथ न्याय नहीं हो रहा है।